सुप्रभात। 10वीं कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने जो रस के अवयव या अंग है उसके तीन भागों या अंगों के बारे में या अवयवों के बारे में चर्चा की थी। एक अस्थायी हो, विभाव और तीसरा था अनुभव। आज हम उसकी चौथा जो अवयव है या अंग है उसकी चर्चा करें, जिसका नाम क्या है, व्यभिचारी या संचारी भाव, यानी संचरण जो करता है। यहां देखिए परिभाषा में ही आप लोगों को कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संचारी भाव अस्थाई भाव के साथ संचरण करते हैं, यानी यहां पे एक चीज मैंने बार बार आप लोगों से कही थी कि अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं और वह विभिन्न घटनाओं के कारण या स्थितियां या परिस्थितियां जो भी हो उनके कारण उत्पन्न होते हैं। और विभाव अनुभाव, जैसे वहां हम लोगों ने पढ़ा था आलमन उद्दीपन विभाव, तो ये सब क्या है, इसके कारण उसके क्या होता है। अनुभाव में हम लोगों ने पढ़ा था कायिक मानसिक आहार, ये सारे चार वहां पे उनके उपभेद पढ़े थे हम लोगों ने। तो ये जो चारों के बारे में पढ़ा हमने, वहां जो आलम्बन और उद्दीपन पढ़ा, अब देखिए इन्हीं प्रक्रियाओं से हम लोग पहुंचते हैं चौथे अंग या अवयव पे पहुंचे हैं। यहां पर क्या है कि जो भी भाव उत्पन्न हुआ था वहां पे, जो भी आलम्बन था, जो भी उद्दीपन था, उसका हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। कायिक था, मानसिक था, वाचिक था, आहार्य था, मैंने बाहरी। तो अब यहां पर क्या होता है कि संचारी भाव जो अस्थायी भाव जो हमारे अंदर विद्यमान है मौजूद है, वह क्या होता है, उनके साथ संचरण करता है, मानी विचरण करता है। ये होता है बहुत जल्दी, यहां हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़ो। इनके द्वारा अस्थाई भाव की स्थिति की पुष्टि होती है, यानी जब जो संचरण करने के बाद जो रस उत्पन्न हुआ है मन में वही तो अभिव्यक्त होगा। तो अब जो रस अभिव्यक्त होगा तो किसको पुष्ट करेगा, किसको पुष्ट करेगा, वो तो वो अस्थाई भाव को पुष्ट करेगा। क्यों अस्थाई भाव को पुष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने अस्थाई भाव की संख्या 9 और 2 11 पढ़ी थी और रसों की संख्या जो है वहां पे भी 9 और 2 वहां पे भी 11 उन्होंने देखा था। तो वहां जो अस्थाई भाव मान लीजिए रति, रति का संबंध किससे, श्रृंगार से। श्रृंगार के भी 2 भेद हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, चर्चा मैंने की थी इस पर। हम लोग बाकी जब उसके प्रश्नोत्तर में इनके लिखा दूंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो। तो वहां पर क्या होता है, शोक का क्या है, करुणा, क्रोध का क्या है, रौद्र। तो ये अस्थाई भाव और रस हम देख रहे हैं। तो क्या होता है, उसकी अस्थाई भाव जो रहता है उसकी पुष्टि होती है। एक रस के अस्थाई भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक रस के अस्थाई भाव के साथ, यानी अस्थाई भाव हो सकता है ये रस का हो, लेकिन उसके साथ अनेक संचारी भाव आते हैं, माने घटनाओं के अनुसार तो मन में जो होते भाव बदलते रहते। वहां हो सकता है कि एक अस्थाई भाव जो है एक रस के अस्थाई भाव के साथ, माने जो रस है अस्थाई भाव एक, उससे उस रस की उत्पत्ति होती है। मैंने उदाहरण के लिए मान लिया रति श्रृंगार रस, अब श्रृंगार के भी दो भेद देख रहे थे, संयोग और वियोग। तो यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि एक रस के अस्थाई भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते, माने संचरण करने वाले, वो सब किस पे निर्भर करेगा, घटनाओं पर या परिस्थितियों पर आते हैं। तथा एक संचारी किसी एक अस्थाई भाव के साथ या रस के साथ नहीं रहता है, माने ये जो संचरण करना जो है, व्यभिचारी जो है, या किसी एक रस के साथ, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया, तथा एक संचारी किसी एक अस्थाई भाव के साथ या रस के साथ नहीं रहता है, क्या करता है वो, वरन अनेक रसों के साथ संचरण करता है, क्योंकि घटनाओं के अनुसार तो वो बदलते रहता है। तो जब तक वो अव्यक्त नहीं हो जाता है, यानी जब तक रस अव्यक्त नहीं हो जाता है, हमारे जो भी ऊपर उन्होंने प्रसंग पढ़े थे, जब तक हम लोग उसको प्रकट नहीं कर देते हैं, प्रस्तुत नहीं कर देते हैं, तब तक स्पष्ट नहीं है कि वहां पे कौन सा रस है। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए फिल्म देखने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, घटनाओं के अनुसार सभी चीजें बदलती रहती हैं। यही है संचरण, व्यभिचारी, संचार करना।
और आगे क्या कह रहे, देखिए यहाँ पे और किस्वर, यही उसकी व्यभिचारी की स्थिति है, और यही उसकी व्यभिचारी की स्थिति है। जब तक व्यक्त नहीं हो जाता, जब तक प्रकट नहीं हो जाता, हम रस नहीं कर सकते। कई बार देखिएगा कि क्या होता है कि हम लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं दिखाई जाती है हमारी तरफ से, तो क्या आप वहां कहेंगे कि रस के व्यक्ति हुई है? नहीं कहेंगे। और मान लीजिए कोई एक करुणा का दृश्य है, यानी शोक वहां पे अस्थाई भाव है, करुणा का दृश्य है, और आपके चेहरे पे करुणा के कोई भाव ही नजर नहीं आ रहा, उस शोक वाली स्थिति में भी जो कि अस्थाई भाव के रूप में आपके अंदर मौजूद है, आप जब तक करुणा के वो जो भाव जो है रस, जब तक करुणा रस के रूप में नहीं व्यक्त होता, तब तक क्या शोक की स्थिति है? मान लीजिए वहां आपके चेहरे पर हंसी नजर आ गई, या जहां पे हास्य का माहौल है वहां पे आपके चेहरे पे करुणा नामक रस अव्यक्त हो, तो दोनों स्थिति क्या होती है? विपरीत हो जाती है। तो जब तक अभिव्यक्ति नहीं हो जाती है, तब तक रस नहीं होती। इसीलिए देखिए कहा गया वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी वाक्य में रस की अनुभूति होने पर ही वह काव्य कहलाता है, यानी आपको रस व्यक्त होना चाहिए, उसकी अनुभूति आपके अंदर होनी चाहिए। इसीलिए वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुभव में कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार है। कायिक मैंने शारीरिक भाव होंगे भाव के द्वारा जहां पर था, मानसिक मैंने मन के स्तर पे, मैंने मन के स्तर पे जो था, वाचिक क्या था बोलकर जहां पे होता है, और आहार एक क्या होता है बाहरी घटनाओं या आकार के कारण जब होता है, ये चार वहां पे उन्होंने पढ़ा था। वहां आलंबन और उद्दीपन देखा था, उसके बाद भी आश्रय भी देखा था। मैंने क्या होता है कहां से आलंबित, किस घटना है, कि कैसे वो उद्दीप्त हुआ, कैसे तीव्र हुआ, ये जब तब तक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तब तक रस की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए कहा ही गया है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने पुनरावृत्ति कर रहा हूं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, कि वाक्य में रस की अनुभूति जब काव्य में होती है तभी जाकर वो काव्य काव्य उसमें रस होता है। इनकी संख्या भी देखिए 33 मानी गई है, संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है, जिसमें है निर्वेद, ग्लानि, शंका, बाद में लिखा दूंगा मैं इनके चर्चा कर दे रहा हूं, वासिक, असुआ, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, विडिंगन, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अयुक्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क, ये संचारी भावों की 33 जो है संख्या मानी गई है। ये था आपका रस, इसके प्रमुख अवयव उन पे आज चर्चा हुई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अस्थाई भाव जो है वो क्या है, उससे कैसे रस की उत्पत्ति होती है, इन सभी विषयों पर अगले दिन से चर्चा करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।